मौजूदा महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव बवानिया में और यहां पर आज कांग्रेस की एक बड़ी विशाल जनसभा थी जिसमें खुद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो है महेंद्रगढ़ जिले के कांग्रेस के प्रत्याशी यहां मौजूद थे। आयोजित हुई संकल्प रैली में उमड़े हुए जन सैलाब को देख कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संपूर्ण हरियाणा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत को लेकर के आ रही है। अलविदा अलविदा दान सिंह उप मुख्यमंत्री बन गया। राव दान सिंह जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं महेंद्रगढ़ से और जिले से सभी कांग्रेस उम्मीदवार जीत रहे हैं। आज ये जन सैलाब है, ये इस बात का गवाह है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है हरियाणा के। दान सिंह हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट जीतेगा। पहले कह रहे कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री हाँ, डिप्टी सीएम पक्का है, पक्का मुख्यमंत्री समझो। अब हुड्डा साहब भी दान सिंह के बगैर एक कदम भी आगे नहीं रखे। चारों प्रत्याशी मौजूद थे यहाँ पे महेंद्रगढ़ से, नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, चारों सीटों पे क्या देख रहे हो? हम चारों सीटों के ऊपर जो इस बात आज की रैली का इतना प्रभाव पड़ेगा कि हम चारों की चारों सीट जीतेंगे। बीजेपी सरकार किसकी होगी? अरे जब झंडा डंडा ठा के दादा रामविलास शर्मा 80 साल का बुजुर्ग, इन्हें रुआ धमका के इनको घर से बाहर निकाल दिया। जो बेटा अपने बाप को 80 साल को ठोकर मार के बाहर निकाल देता, अब कोई पार्टी थोड़ी होती है। हम इसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हैं और पूरा महेंद्रगढ़ जिला और नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, चारों विधानसभा सीट और कांग्रेस सरकार 100% कांग्रेस सरकार आओगी और हुड्डा मुख्यमंत्री 100% बनेगा और वो हर गरीब की, जमींदार की, मजदूर की सबकी बात कर रहा है। वो आखिरी जिस दिन बन भी गया ना तो वो सबकी मदद करेगा। जो यहाँ पर आकर सिर्फ बड़े बड़े लोगों की बोलते हैं ना, वो नहीं करते हैं। और इन्होंने, भाजपा ने तो इसको, हरियाणा को बिल्कुल साफ कर दिया है। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ की नब्ज जानता है, मतदाता की नब्ज जानता है। राव दान सिंह भारी मतों से यहाँ जीतेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारा नुमाइंदा कांग्रेस की सरकार में भागीदार होगा। ये हुड्डा तो इस साइड कार दोनों की बाजू एक है, मामूली चीज यही लेकर बाजू है। हाँ, एक ही बाजू है, एक बाजू है और ये इस इलाके को चमका के दे। जब दान सिंह जीत जाएगा तो डिप्टी सीएम बनेगा, सारा काम बनेगा। अब की बार डिप्टी सीएम का नारा लग रहा है, पूरा भरोसा क्या बनेगा? डिप्टी सीएम पक्का, क्या गृह मंत्री होगा या डिप्टी सीएम होगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर, मैं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूदा महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव बवानिया में और यहां पर आज कांग्रेस की एक बड़ी विशाल जनसभा थी जिसमें खुद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो है महेंद्रगढ़ जिले के कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे। रैली समाप्त हो चुकी है लेकिन यहाँ पर जो है जनता जनार्दन देख लीजिए जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है, क्या फर्क पड़ेगा इस रैली के? आज कांग्रेस पार्टी द्वारा बवानिया गांव में आयोजित विजय संकल्प रैली में उमड़े हुए जन सैलाब को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संपूर्ण हरियाणा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत को लेकर के आ रही है और अपनी सरकार बनाएगी और महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगे। क्यों जी, क्या लगता है? हाँ बोलो, क्या लगता है, क्या माहौल देख रहे हो रैली के बाद? कितना यह है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने आ रही है। बिल महेंद्रगढ़ से प्रॉपर से राव दान सिंह जीत रहे हैं, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी जीत रही है और चारों सीटें कांग्रेस की आने की संभावना। बीजेपी को अलविदा अलविदा, दान सिंह उप मुख्यमंत्री बन गया। ये बीजेपी ने जो अन्याय किया है, किसान, जवान, पहलवान और मजदूर जो अन्याय किए हैं, इसलिए अब बीजेपी को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी आ रही है भारी बहुमत से।
यादव जी क्या कहेंगे, क्या लगता है इस रैली के बाद महेंद्रगढ़ में क्या फर्क पड़ेगा? रैली के बाद महेंद्रगढ़ में जबरदस्त कांग्रेस पार्टी के बारे में समर्थन में आज जो जन सैलाब आया है वो राव दान सिंह जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं महेंद्रगढ़ से, और जिले से सभी कांग्रेस उम्मीदवार जीत रहे हैं। आज ये जन सैलाब है ये इस बात का गवाह है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है हरियाणा के। लगता है फर्क पड़ने वाला है, सरकार है, बदलाव होगा? हाँ जी, मानी दान सिंह कांग्रेस चारू पहली पार्टी कांग्रेस एक नंबर पर बदलाव चाहती है और कांग्रेस पार्टी आएगी सारे हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी हाँ 100%, क्योंकि सभी लोग बदलाव चाहते हैं। इस सरकार में कुछ नहीं, गरीब लोग और गरीब हो गए, पूंजीपति की सरकार है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, ठीक है? हाँ, सब क्या कहेंगे, क्या लगता है भव्य रैली? राहुल गांधी मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, भूपेंद्र हुड्डा मौजूद थे, आपका पूरा कांग्रेस परिवार मौजूद था, कितना फर्क पड़ेगा? कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, महेंद्रगढ़ में बता दीजिए शोर है, शोर है, चारों सीटों पे, चारों सीटों पे। और राव दान सिंह का क्या लगता है? दान सिंह बहुत ज्यादा वोटर जीत रहे हैं, बहुत ज्यादा, महेंद्रगढ़ में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। दान सिंह हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों जीतेगा पहले। अच्छा, कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री? हाँ, डिप्टी सीएम पक्का है, पक्का पक्का, मुख्यमंत्री समझो आप, हुड्डा साहब भी दान सिंह के बगैर एक कदम भी आगे नहीं रखे, यानी मेन हुड्डा साहब का मेन है, बड़ा पद देंगे जी दान सिंह को, जो भी हो डिप्टी सीएम बनाओ उसको बनाओ, 70 सीट से ऊपर आएंगे जी हमारी। हाँ जी, ये कहीं ना कहीं महिलाएं भी यहाँ मौजूद थी, अरदान सिंह भी 4 वोटों से जीत रहा है, ये भी हमारे पक्का है। हाँ जी, क्यों जी क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है, दक्षिण हरियाणा में तो कांग्रेस ही है। कैसे गीत बज रहा है, राव दान सिंह जीतेंगे? आज अशोक तंवर जी आके मिल गए तो कांग्रेस का दिन प्रतिदिन कुनबा बढ़ रहा है, और 80+ कांग्रेस सीट ले जाएगी हरियाणा में और क्लियर सरकार बनाएगी, यहाँ से तो राव दान सिंह 35,000+ जीतेंगे। इस रैली से क्या फर्क पड़ेगा? इस रैली से काफी फर्क पड़ेगा, किसानों की बातें उठाई है, सैनिकों की बातें उठाई है, जो आर्मी की थी वो, ये एरिया आर्मी का ही एरिया है, तो हमको इससे लाभ मिलेगा, तो काफी फर्क पड़ेगा। जी जी, क्यों जी क्या लगता है? बढ़िया जी, राव दान सिंह जी 15 से 20,000 के मार्जिन से जीत रहे, विकास की गंगा बहाएंगे महेंद्रगढ़ के अंदर, 10 साल से विकास की गंगा नहीं चली। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास की गंगा बहाई थी, हमारे यूनिवर्सिटी सतनाली के अंदर कॉलेज, आईटीआई, बस स्टैंड, सब ब्लॉक, सब कुछ राव दान सिंह की देन है, और राव दान सिंह भारी मतों से विजय होंगे। दान सिंह एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल में जन दान सिंह की जीत निश्चित है। चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया अब। हाँ जी, आज आखिरी दिन था, इस रैली के बाद कितना फर्क पड़ गया, क्या इस रैली से? बहुत ज्यादा माहौल, इतना एक तरफा माहौल समझो आप। हाँ बिल्कुल, एक तरफा माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं, और दान सिंह तो कम से कम 20,000 की लीड से जीतेगा। चारों प्रत्याशी मौजूद थे यहाँ पे महेंद्रगढ़ से, नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, चारों सीटों पे क्या देख रहे हो? हम चारों सीटों के ऊपर जो इस बात आज की रैली का इतना प्रभाव पड़ेगा कि हम चारों की चारों सीट जीतेंगे। बीजेपी आप पर सवाल उठाती थी, हंसती थी कि इनके नेता को देखिए कैसे कॉमेडी करता है, क्या माने अब उसी नेता ने कहीं ना कहीं सबके पसीने छुड़ा? हमारे नेता ने इतना करके दिखा दिया कि भाई लोगों के जो विपरीत दिशा में चल रहे थे वो आज उनके पॉजिटिव बोल रहे हैं, जो विपरीत बोल रहे थे उसका उदाहरण आज आपके सामने। भाई उरे तो 99% के 101 जीतेगी। अच्छा, ये बता दीजिए, राहुल गांधी ने कहा 2 लाख रोजगार सरकार बनते बनते पक्कम करे, 500 रुपए में सिलेंडर, अरे भरियोड़ो झोटो जयो तैयार कर दिए, अच्छी बात करे। 10 साल देखो, मैं सबसे पहले आपका प्रिंस लंबा भाई मैं धन्यवाद करता हूँ, पहले भी जब एक मिनट, जब हुड्डा सरकार पहले थी,
जब भी तो किसानों का पूरा मुद्दा 1600 करोड़ रुपया माफ कराया, हमने पूरा विश्वास है। और बीजेपी सरकार किसकी होगी? अरे जब झंडा डंडा ठाके दादा रामविलास शर्मा 80 साल का बुजुर्ग, इन्हें रुआ धमका के इनको घर से बाहर निकाल दिया। जो बेटा अपने बाप को 80 साल को ठोकर मार के बाहर निकाल देता है, वह कोई पार्टी थोड़ी होती है। हम इसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ है। और पूरा महेंद्रगढ़ जिला और नांगल चौधरी नारनौल अटेली चारों विधानसभा सीट आज आपने देख लिया होगा, किसी प्रकार का कोई कह देते कुर्सी खाली है कुर्सी, अरे इतने लोग तो कुर्सी में बैठे थे, इतने लोग बाहर खड़े थे, नाव नहीं रही जनता। और कांग्रेस सरकार 100% कांग्रेस सरकार आओगी और उड्डा मुख्यमंत्री 100% बनेगा। जो वायदे हो रहे, जो वायदे हैं, जो गारंटी दी जा रही है, विश्वास है पूरी? नहीं नहीं, गारंटी इसने पीछे भी गारंटी दी थी, इसकी कथनी और करनी में कोई फर्क है ही नहीं, ये पक्का ही करेगा। हाँ, उदासीएम का पक्का करेगा। राहुल गांधी जो बोल रहा है ना, राहुल गांधी वो एक्चुअल सच्चाई बात कर रहा है, और वो हर गरीब की, जमींदार की, मजदूर की, सबकी बात कर रहा है। और वो आखिरी जिस दिन बन भी गए ना, तो वो सबकी मदद करेगा। जो यहाँ पर आकर सिर्फ बड़े बड़े लोगों की बोलते हैं ना, वो नहीं करते हैं। और इन्होंने, भाजपा ने तो इसको, हरियाणा को बिल्कुल साफ कर दिया है, और जमींदारों के लिए तो बट्ठा दिया है इन्होंने। जो भाई कोई ये देख ले, हरियाणा का बट्ठा बढ़ा दिया। अरे भाई सुन, 2014 से पहले 50 किलो खाद आता था एक कट्टे के अंदर, और पार्ले जी के बिस्कुट के अंदर आते थे 16 बिस्किट, ठीक है, और बस। अरे इतना और क्या घटाओगे यार, 45 किलो कट्टो कर दी, क्या मतलब होगा उसका? अच्छा बाबा, अभी 6000 पेंशन की बोल रहे हैं, जो सामाजिक बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग, विधवा पेंशन मिलती है, तो मौज होगी और क्या चाहिए? तुम मौज के भागी, तुम बता रही हो मोदी अडवाणी ने दे रहे हो, यो हमने दे देगो, बावड़ो है रो। 5000 रुपए बोल रहे थे रो, 5000 नहीं मिले, पूरे नहीं हुए, और ये पक्का 6000 करेगा या ले बनते 6000 रुपया देगी, देगी सरकार के सालों के या सिराणा धर के सोंगो रोजाना का दिल्ली का 200 सिराणा धर के सोंगो से हमने। और रावदान सिंह जी ने, रावदान सिंह महेंद्रगढ़ के प्रत्येक मतदाता से जुड़ा हुआ नेता है, रावदान सिंह ने महेंद्रगढ़ के लिए बहुत किया, विकास किया है, विकास पुरुष है। और रावदान सिंह महेंद्रगढ़ की नब्ज जानता है, मतदाता की नब्ज जानता है। रावदान सिंह भारी मतों से यहाँ जीतेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हमारा नुमाइंदा कांग्रेस की सरकार में भागीदार होगा। और जी, कैबिनेट मंत्री होगा या ऊपर डिप्टी सीएम होगा? और ये नौ सोलह जिस दिन यहाँ बढ़ते ही ना, इस इलाके को चमका देगा, ये उसका ख्याल है। ये क्षेत्र को चमकाने वाला है जी, आगे ये नेताजी करने के लिए उसको ये जरूरी है, और ये यहाँ करेगा पक्का, आपको पक्का, पूरी जनता को कर दिखाते हैं, पूरे विश्वास के साथ। हुड्डा सरकार है जी, ये कर दिखाता है, जो हुड्डा लबद काट गया पार्टी जीत रही है। बता दीजिए, अक्सर भाजपा एक सवाल उठाती है आप पे, कहते हैं कि हुड्डा के राज में एक क्षेत्र तक विकास सीमित था, सच्चाई है या फिर झूठ? नहीं नहीं, झूठ झूठ, ये सब झूठ है, झूठ सगड़े जी, चौकर तू सगड़ा पूरा हरियाणा में। और सुनो, ये हुड्डा तो इस साइड कार दोनों की बाजू एक है, मामूली चीज है, यूनिवर्सिटी यही लेकर बाजू है, हाँ एक ही बाजू है, एक बाजू है, और ये इस इलाके को चमका के दे। महिला को ले जाए, यूनिवर्सिटी ले, कोर्ट की बिल्डिंग बनी, ऑडिटोरियम बना, सब काम बना। और जब दान सिंह जीत जाएगा तो डिप्टी सीएम बनेगा, सारा काम बनेगा। आपकी बार डिप्टी सीएम का नारा लग रहा है, पूरा भरोसा क्या बनेगा? डिप्टी सीएम पक्का, क्या मंत्री होगा या डिप्टी सीएम होगा, दोनों में से एक होगा, मैं बता दूंगा। मतलब खजाने में हाथ रहने वाला, सीधी बात ये है, महेंद्रगढ़ के लोगों की ये पूरा मारो होगा खजाना में। एक छोटो सो बच्चों हाथ पकड़ लेते, कितना था नेताजी, ईशान नेताजी से हाथ हमारा होगा। अच्छा, युवा साथी है, कहाँ है युवाओं का मन? युवाओं का मन रावदान सिंह के साथ है, और रावदान सिंह जिंदाबाद। रावदान सिंह जी, सभा स्थल खाली हो चुका है, लोग जा चुके हैं, राहुल गांधी यहाँ मौजूद थे। शुरुआत में ये बात भी चलाई जा रही थी कि राहुल गांधी नहीं आएंगे, मना कर दिया, लेकिन राहुल गांधी भी पहुंचे, साथ में राष्ट्रीय सचिव के सी वेणुगोपाल पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े लीडर भी पहुंचे, और यहाँ पर महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, अटेली से अनीता यादव, नारनौल से राव नरेंद्र सिंह, और नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, चारों प्रत्याशी भी मौजूद थे। और चारों को लेकर, और विशेषकर बात की जाए रावदान सिंह की, क्योंकि यहाँ पर जो जनता जनार्दन नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर रावदान सिंह के साथ ही लगी हुई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्पष्ट इशारा राहुल गांधी ने कर दिया कि
यहाँ से आप जिता के भेजिए और हम जो गारंटी दे रहे हैं उन पर हम खरा उतरेंगे। हालांकि जनता का मानना है कि राव दान सिंह उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अब इस बात में कितनी सच्चाई है आने वाले समय में पता चलेगा। वास्तव में कांग्रेस की सरकार बन रही है और अगर सरकार बनती भी है तो वास्तव में ही क्या राव दान सिंह डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।